दोस्तों हम जानते हैं कि बिग बॉस 16 का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिग बॉस 16 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। वैसे आपको बता दें कि बिग बॉस 16 का इंतजार आपका खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे अपना फेवरेट बिग बॉस का 16वां सीजन। बिग बॉस को लेकर ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। शो को एक बार फिर सलमान खान होस्ट करते नजर आएंगे, जिसको लेकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने बिग बॉस 16 के पहले कंटेस्टेंट यानी कि अब्दुल रोजिक का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। हालांकि फैंस शो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि बिग बॉस 15 के विनर तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा के साथ बिग बॉस 16 में एंट्री करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर बिग बॉस के प्रीमियर से पहले ही कई राज खुलने लगे हैं। इस बीच ट्विटर पर एक बड़े पेज ने अपडेट दिया है। ट्वीट में बताया गया है कि बिग बॉस 15 के विनर तेजस्वी प्रकाश, सेकंड रनर अप करण कुंद्रा और कंटेस्टेंट राजीव वदातिया के साथ बिग बॉस 16 के सर्कस हाउस में 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के साथ दूसरे हफ्ते में एंट्री मारेंगे। वहीं ये तीनों करीब 1 हफ्ते तक घर में ही रहेंगे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। रिपोर्ट्स में इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी प्रकाश टीवी शो नागिन की एडवांस में शूटिंग कर लेंगी और राइटर भी शो को कुछ वक्त के लिए उस हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। ट्वीट में ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी प्रकाश, राजीव वदातिया और करण कुंद्रा ने शो में जाने के लिए 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस खबर के सामने आने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं। फैंस का कहना है कि करण तेजस्वी को एक बार फिर से बिग बॉस के घर में देखना काफी एक्साइटेड होगा। आपको बता दें बिग बॉस 16 अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही टीवी पर दस्तक देगा। 1 और 2 अक्टूबर को बिग बॉस 16 का ग्रैंड प्रीमियर होगा। घर वाले बिग बॉस के घर में 105 दिनों तक कैद रहेंगे। बाद शो की टाइमिंग की करें तो रात को 10 बजे शो कलर्स पर टेलीकास्ट होगा। वहीं सीजन वीकेंड का वार शनिवार और रविवार नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को हुआ करेगा। वीकेंड का वार रात को 9:30 बजे टेलीकास्ट हुआ करेगा। बिग बॉस को लेकर हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा को लेकर चर्चा जोरों पर है, उसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। वैसे आपको बता दें कि काफी दिनों से खबर ये भी आ रही थी कि करण कुंद्रा हिना खान के साथ तूफानी सीनियर्स बनकर भी घर में एंट्री लेंगे, यानी कि ये कि 1 हफ्ते तक तो वो तेजस्वी प्रकाश के साथ ही शो में नजर आएंगे और वहीं दूसरी बार जब वो घर में एंट्री लेंगे तो उनके साथ बाकी के तूफानी सीनियर्स भी होंगे। करण कुंद्रा तूफानी सीनियर्स बनकर घर में रह रहे लोगों का जीना हराम करने वाले हैं। करण कुंद्रा के साथ तूफानी सीनियर बनकर जाएंगी रूबीना दिलैक, हिना खान और ये तीनों ही शो में धमाल मचाने वाली हैं। इसके साथ ही एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत के बारे में भी चर्चा चल रही है कि राखी अपने बॉयफ्रेंड आदिल के साथ तूफानी सीनियर्स बनकर ही घर में एंट्री लेंगी। वैसे हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि राखी सावंत को जरूर इनवाइट किया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट का तड़का कोई और नहीं बल्कि राखी सावंत ही बिग बॉस में लगा सकती हैं। अब जिस तरीके से पुराने कंटेस्टेंट के बारे में खबरें आ रही हैं कि सभी को बिग बॉस में इनवाइट किया गया है, ऐसे में सबसे ज्यादा नाम चर्चा में है तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा का, कि दोनों 1 हफ्ते के लिए राजीव वदातिया के साथ बिग बॉस के घर में धमाल करते नजर आएंगे। तेजस्वी और करण को एक बार फिर से बिग बॉस के घर में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अगर आपने अभी तक फिल्म बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।